नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि कैसे लाइटरूम की सहायता से हम मुहांसे, झुर्रियों और चेहरे के दागों को दूर कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि फोटोशॉप खोले बिना केवल लाइटरूम में ही कैसे चेहरे के मुहांसों और दाग धब्बों को हटाया जा सकता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आप बेसिक फोटो रिटचिंग लाइटरूम में ही कर सकते हैं। वास्तव में ज्यादातर हालात में आप अपने इमेज के पूरे टचअप और रिपेयरिंग को लाइटरूम में ही कर सकते हैं और आपको फोटोशॉप में जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नए ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइटरूम में स्पॉट रिमूवल टूल कैमरा के गंदे सेंसर के कारण इमेज में आए स्पॉट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। लाइटरूम को इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि यह टूल मुहांसों, चेहरे के दाग धब्बों, झुर्रियों को हटाने में कितना उपयोगी हो सकता है और लाइटरूम के हर नए रिलीज के साथ यह टूल और भी ज़्यादा बेहतर होता चला जा रहा है और अब तो यह हमारी क्लोनिंग और हीलिंग के लगभग सभी कामों को करने के लिए तैयार है। लाइटरूम के टूल बॉक्स में दूसरा यह टूल स्पॉट रिमूवल टूल है। इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। वैसे आप इसे इसके शॉर्टकट क्यू को दबाकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के दाग धब्बों को दूर करने के लिए इसे दो मोड्स में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्लोन मोड और हील मोड। क्लोन मोड में हम किसी अवांछित वस्तु को इमेज के किसी दूसरे मिलते जुलते एरिया की कॉपी कर उस जगह पर पेस्ट करके उसे ढक देते हैं, लेकिन यह टूल पेस्टेड एरिया को उन पिक्सल्स से जिन पर यह पेस्ट किया गया है ब्लेंड नहीं करता है। स्क्रैच, एक्नी, ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए क्लोन की अपेक्षा हील ब्रश अच्छा काम करता है, क्योंकि यह पेस्टेड एरिया के पिक्सल्स को उस एरिया से ब्लेंड कर देता है जहां वह पेस्ट किया गया है, जिससे कि पेस्टिंग का पता नहीं चलता है। इस टूल को उपयोग में करने के पहले इमेज को जूम करके बड़ा कर लें। नेविगेटर टूल के ऊपर दाहिनी ओर आपको जूम करने के कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फिट, फिल, 1:1, और इसके बाद आप यहां अगर डबल एरो को क्लिक करेंगे तो आपको और भी अधिक जूमिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से एक को चुन लें। जब इमेज जूम करके आप बड़ा कर लेते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से को देखने के लिए आप इस नेविगेटर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं। या आप स्पेस बार को दबा दें, आप देखेंगे कि माउस कर्सर एक हैंड टूल में बदल गया है। अब आप इसकी सहायता से इमेज को इधर उधर खिसका सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखला रहा हूं, और काम हो जाने के बाद आप स्पेस बार को रिलीज कर दें। इमेज की रिटचिंग शुरू करने के पहले आप हीलिंग ब्रश की साइज, फीडर और ओपेसिटी को जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर लें। ब्रश की साइज को छोटा ही रखें। आप जिस चीज को रिटच करना चाह रहे हो ब्रश की साइज उससे बस थोड़ी सी बड़ी रखें। ब्रश की साइज को इस स्लाइडर की मदद से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या आप लेफ्ट और राइट ब्रैकेट का इस्तेमाल कर भी ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेफ्ट ब्रैकेट की से ब्रश का साइज छोटा होगा और राइट ब्रैकेट की से इसका साइज बड़ा होगा। फीडर स्लाइडर से आप ब्रश के किनारे को सॉफ्ट या हार्ड अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। हार्ड ब्रश की हीलिंग कभी कभी ठीक से आसपास के एरिया से ब्लेंड नहीं होती, इसलिए सॉफ्ट ब्रश को लें। इसके लिए फीडर को बढ़ा दें। इस स्लाइडर से आप ब्रश के फीडर को बढ़ा या घटा सकते हैं।
अगर आप किसी स्पॉट को पूरा हील नहीं करना चाहें तो ब्रश की ओपेसिटी को भी आप यहां से कम कर सकते हैं। आप मुहासों को दूर करने के लिए हील ब्रश चुनें। हील मोड में लाइटरूम ऑटोमेटिकली ब्लेमिश से मिलते जुलते अच्छे एरिया को अपने आप सेलेक्ट करता है। अब इस एक्नी को रिमूव करने के लिए मैं यहां पर हीलिंग ब्रश को लेकर उससे यहां प्रेस कर रहा हूं और आप देख ही रहे हैं कि यह मुहासा गायब हो गया है। कभी कभी आपको ब्रश का साइज ब्लेमिश के हिसाब से बड़ा या छोटा करना पड़ सकता है या कवरेज एरिया को भी बदलना पड़ सकता है। कवरेज एरिया को चेंज करने के लिए कर्सर को उस एरिया पर रखें। आप देखेंगे कि कर्सर हैंड टूल में बदल गया है। अब आप इस एरिया को खिसका सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइटरूम किसी एरिया को फिल करने के लिए जिस एरिया की सैंपलिंग लेता है वह उतनी सही नहीं होती है, तब आप दूसरे सर्किल पर माउस कर्सर को लाएं और जब यह हैंड टूल में बदल जाए तो आप इसे खिसकाकर दूसरे एरिया को चुन लें जो कि पहले से अच्छा काम करे। अगर आपने फोटोशॉप में स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज किया होगा तो आप पाएंगे कि यह सुविधा वहां नहीं दी गई है। अगर आप ब्रश की साइज को बदलना चाहते हो तो कर्सर को ब्रश की सर्किल पर रखें। कर्सर एक डबल एरो में बदल जाएगा, तब आप ड्रैग करके ब्रश की साइज को बदल सकते हैं। अब मैं सभी ब्लेमिशेस को दूर कर रहा हूं। आप देखें कि इस काम में कितना कम समय लगता है। अब आप पहले और बाद की इमेज की तुलना करें। आइए अब देखते हैं कि कैसे चेहरे की झुर्रियों को हटाया या कम किया जा सकता है। मुहासों की अपेक्षा झुर्रियों को हटाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें एक बड़े एरिया पर आपको काम करना होता है। इसके लिए हम एक दूसरी तस्वीर को ले रहे हैं। रिंकल्स हटाने के लिए आप स्पॉट हीलिंग ब्रश को पहले की ही तरह इस्तेमाल में लाएं, पर ब्रश को रिंकल के ऊपर माउस प्रेस रखते हुए ड्रैग करें। अगर आप झुर्रियों को पूरी तरह हटाना चाहते हैं तो ओपेसिटी 100 रखें। देखिए मैं अब झुर्रियों को 100% ओपेसिटी पर हटाकर आपको दिखा रहा हूं। अब मैं पहले और बाद की तस्वीरों को दिखा रहा हूं, आप खुद उनकी तुलना करें। लेकिन आप महसूस करेंगे कि झुर्रियों को पूरी तरह हटा देना नेचुरल नहीं लगता है, यह बनावटी लगता है। झुर्रियों को पूरी तरह हटाने के बजाय बेहतर यह होता है कि हम उन्हें हल्का कर दें। इसके लिए ब्रश की ओपेसिटी को कम कर दें। मैं यहां ओपेसिटी को 60 पर रख के झुर्रियों को पहले की ही तरह हटा रहा हूं। मैं यह काम जल्दी जल्दी कर रहा हूं, केवल आपको दिखा दूं कि इसका इफेक्ट कैसा होता है। अब फिर पहले और बाद की तस्वीरों की तुलना करें। आपको महसूस होगा कि यह रिटचिंग ज्यादा नेचुरल लग रही है। फोटोशॉप में कंटेंट अवेयर फिल नाम का एक टूल है जिसे किसी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह टूल लाइटरूम में नहीं है, लेकिन वही काम आप लाइटरूम में स्पॉट रिमूवल टूल से कर सकते हैं। इसे दिखाने के लिए मैं एक दूसरी तस्वीर को ले रहा हूं और मैं इसमें इस लड़की को पूरी तरह हटाने की कोशिश करता हूं। यह आसान काम नहीं है, पर आप देख रहे हैं कि लाइटरूम में स्पॉट रिमूवल टूल ने कितनी अच्छी तरह यह काम किया है।
अब आपको यह विश्वास हो गया होगा कि यह टूल कितना कारगर है, इसके फुल पोटेंशियल को आप यूज करें। आशा है आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगले ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन मंगलमय हो। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।